दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे खाली देश यानी एम्प्टी कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में आधे से भी ज्यादा आबादी सिर्फ एक शहर में रहती है और इस देश में आपको लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस देश में जमीन नहीं है, यहाँ जमीन बहुत है, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ की आबादी यानी कि पॉपुलेशन काफी कम है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है मंगोलिया। जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया की कई और ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए आपको बताते हैं इस देश के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, मंगोलिया की आबादी की बात करें तो मौजूदा समय में वहाँ 30 लाख लोग ही रहते हैं। दोस्तों, ये देश पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। हालांकि मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती है, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से केवल 24 मील दूर है, यानी कि लगभग 38 किलोमीटर। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बाटोर है। यह देश की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या रहती है। दोस्तों, दुनिया भर की तरह मंगोलिया में भी हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। महाभारत धारावाहिक को मंगोलियाई भाषा में डब करके वहां टीवी पर प्रसारित किया जा चुका है। हालांकि वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम है, 30 लाख की आबादी में लगभग 200 भारतीय ही हैं। इस देश की राजधानी उलान बटोर की अगर बात करें तो दुनिया की सबसे ठंडी राजधानियों में से एक है। यहाँ पर जनवरी के महीने में तापमान -36 से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा शेयर बाजार उलान बटोर में ही है। दोस्तों, दुनिया में घोड़े की सबसे बड़ी प्रतिमा भी इसी शहर में है जिस पर बैठे हुए हैं चंगेज खान। जी हाँ, चंगेज खान को तो आप जानते ही होंगे। कुल मिलाकर ये प्रतिमा 131 फुट ऊंची है जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। दोस्तों, चंगेज खान को मंगोलिया का संस्थापक यानी कि पिता माना जाता है। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, जैसा कि ज्यादातर लोगों को उसके नाम से लगता है। दोस्तों, वो पूर्वोत्तर एशिया के कई खानाबदोश जनजातियों को एकजुट करके और दुनिया में सबसे बड़े साम्राज्य को स्थापित करके सत्ता में आया था। केवल 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उससे बड़े साम्राज्य को स्थापित कर पाए थे, अदरवाइज उसके सिवा कोई भी नहीं था। केवल 25 सालों की अवधि में ही चंगेज खान के घुड़सवारों ने इतनी बड़ी आबादी पर राज स्थापित कर लिया था जितना कि रोम ने 4 शताब्दियों में नहीं किया था। आइसक्रीम, जी हाँ दोस्तों, वही आइसक्रीम जो हम और आप बड़े चाव से खाते हैं। आइसक्रीम मंगोलिया में बहुत पसंद की जाती है और वो भी सर्दियों के दिनों में। मंगोलिया में आपको सड़क पर आइसक्रीम बेचने वाले लोग अक्सर नजर आ जाएंगे। -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में भी फ्रीजर की जगह इसे कागज में रखा जाता है, लेकिन आइसक्रीम जरूर खाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि आइसक्रीम का आविष्कार मंगोलिया में ही हुआ और एक सिद्धांत के अकॉर्डिंग मंगोलियाई घुड़सवारों ने आइसक्रीम का आविष्कार किया। दोस्तों, मंगोलिया लुप्त प्राय हिम तेंदुओं का घर भी कहा जाता है। हिम तेंदुए मंगोलिया के मूल निवासी हैं और दुनिया की एक तिहाई आबादी यहीं रहती है। दोस्तों, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी हिम तेंदुए की आबादी मंगोलिया में ही है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। दोस्तों, कई बड़ी बिल्लियों की तरह उन्हें भी उनके फर और मवेशी पशुओं को खतरे से बचाने के लिए मार दिया जाता है। और मजेदार बात तो ये है कि एक हिम तेंदुआ दहाड़ नहीं सकता। दोस्तों, गोल्डन ईगल फेस्टिवल, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। मंगोलिया में एक त्योहार है जो गरुड़ के शिकार के लिए समर्पित है। गोल्डन ईगल फेस्टिवल हर साल 2 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल की शुरुआत घोड़ों पर ईगल शिकारियों की परेड के साथ होती है जिसमे उनकी एक विस्तृत शिकार वेशभूषा होती है और सहायक उपकरण होते हैं। दोस्तों, 2 कुबड़ वाले ऊंट ये आपको मंगोलिया में ही मिलेंगे। ये ऊंट बैक्टेरियन ऊंट कहलाते हैं जो कि मंगोलिया के निवासी हैं। वार्षिक 1000 कैमल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार में आपको ऊंटों के मालिक के साथ बातचीत करने और ऊंट चारागाहों के खानाबदोश जीवन शैली के बारे में जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मध्य एशिया में बसा हुआ यह देश किसी समय पूरे एशिया की सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यहीं से भारत समेत दक्षिणी एशिया में सत्ता हथियाने के लिए प्रयास शुरू हुआ। स्टेफिस के मैदानों में भागते हुए घोड़े, शिकारी बाज, मंगोलियन ऊंट इस देश की तस्वीर बनाते हैं। चंगेज खान के इस देश में टेक्नोलॉजी अभी भी ज्यादा नहीं पहुंच पाई है, यानी कहा जाए तो ये देश बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ये देश अपने प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के कारण काफी फेमस है।
मंगोलिया के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं। दोस्तों, काराकोरम अरकान वैली में बसा ये शहर प्रकृति के अद्भुत नजारे पेश करता है। ये कभी मंगोलों की राजधानी हुआ करता था और यहाँ कई बौद्ध स्तूप भी हैं। दोस्तों, यहाँ घूमने के लिए बहुत सी जगह है। ये है टेरेंस नेशनल पार्क। मंगोलिया की राजधानी उलान पटोर से उत्तर में स्थित ये पार्क पाइन के पेड़ों से भरा है। यहाँ आप स्टेपिस चरवाहों के बसेरे देख सकते हैं। यहाँ कई गर्म पानी के प्राकृतिक झरने भी हैं। यहाँ की खांगी खार झील भी देखने लायक है। दोस्तों, ये है खोफ सगोल झील। ये मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ के पानी में कई औषधीय गुण बताए जाते हैं। यहाँ रूस की सीमा भी लगती हुई है। और दोस्तों, ये है ओरखो वैली। स्टेपिस के हरे भरे जंगल और ये मैदान कभी एशिया और यूरोप की सत्ता में बहुत दखल दिया करते थे। चंगेज खान और कुबलाई खान यहीं पले बड़े और एशिया की राजनीति को प्रभावित किया। यूनेस्को द्वारा इस जगह को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ स्थित बौद्ध स्तूप बहुत ही शांति देने वाले हैं। और दोस्तों, ये है उल्गी। दोस्तों, अल्ताई की ऊंची चोटी देखनी हो तो ये जगह सबसे उपयुक्त है। यहाँ चारों ओर के सुंदर दृश्यों को आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तुर्क स्टैंडिंग स्टोन लगभग 12,000 साल पुराने हैं। यहाँ साल में एक बार सितंबर में बाज महोत्सव लगता है। यहाँ आप वो समय बिता सकते हैं जो आपको सुकून और शांति देने वाला है। दोस्तों, मंगोलिया की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। वैसे दोस्तों, देश विदेश से लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की संस्कृति को निहारने मंगोलिया आते हैं। आप भी मंगोलिया जा सकते हैं। साथ ही मंगोलिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अगले किसी नए डेस्टिनेशन में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।